आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक घट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमल घट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल दो हफ्ते करोगे, आपको धीरे 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 आपके व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी किसी ने ताना दिया भी है, अपशब्द कहा भी है, कोई बोल भी दिया है, तो फिर निवेदन करूंगा एक बार, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शंकर के साथ जहां शिव पंचायत बैठी हो, शिव परिवार नहीं, शिव पंचायत, सूर्यदेव, दुर्गा भवानी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान शंकर, कितने हैं? पांच। जहां शिव पंचायत बैठी हो उस स्थान पर जाकर शंकर जी का पूजन अभिषेक कर एक बार दिल से आप शंकर से झोली फैलाकर बोलो तो सरी की बाबा मेरे को अपूर्ण नहीं देना, मुझे पूर्ण कर दीजिए, फिर तो पंचायत निर्णय दे देगी और तेरी खोटी वो। जब भी कथा के पंडाल में बैठो या भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाओ या शिवालय का दर्शन करने जाओ तो मुख से बोलना चाहिए, एक बार सब माताएं प्रेम से बोलो और जितने भाई बैठे हैं वो भी बोलो, भोला ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर भोले भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। ये शिवलिंग जलाधारी यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। पुष्प नहीं है शिवजी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ा। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ा। और किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का तीन बार स्पर्श कर बाबा से दिल की बात कहकर जाओ, बाबा पूर्ण कर देता है, वो सहज प्रसन्न है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा